हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मत्स्य यानी कि वॉट्स की समस्या के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और बहुत सारी मेडिसिन को लेते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कभी भी मत्स्य के लिए किसी और मेडिसिन को लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो मेडिसिन बताई है उसे आप 100% और बहुत ही जल्दी आप क्योर कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वचा यानी स्किन पर जो मत्स्य HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, जो स्किन की ऊपरी परत पर होता है, दोस्तों इसका एलोपैथ में कोई भी इलाज नहीं है, ना ही कोई अभी तक मेडिसिन इसकी एलोपैथ में सामने आई है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथ में इसका सफल और 100% रिजल्ट मिलने वाला मेडिसिन है, जो कि आपकी जो मत्स्य की समस्या है उसे बहुत ही जल्दी ठीक कर देगा। मत्स्य की समस्या होती है वो HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होती है। हमारे स्किन की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्किन, वो किसी किसी लोगों को ब्राउन कलर की हो जाती है, बहुत सारे लोगों को रेड में भी होती है और बहुत सारे लोगों को ब्लैक कलर की भी वॉट्स की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों वो उसमें ज़्यादा कुछ आइडेंटिफिकेशन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी। कितने लोगों को ये चपटी होती है और बहुत सारे लोगों को उभरी हुई होती है, और बहुत सारे जो लोगों को वॉट्स होती है दोस्तों उसमें आप देखेंगे कि हल्की हल्की वो फटी फटी होगी, उस टाइप की भी वॉट होती है लोगों को। बहुत सारी इसमें कुछ खास साइन एंड सिम्टम नहीं होते हैं, ना ही लोगों को इससे कोई दिक्कत होती है, ना ही होती है, ना ही खुजली होती है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। बस एक ऊपरी स्किन है दोस्तों जो देखने में बहुत ही भद्दी लगती है। तो इसकी होम्योपैथिक में एक बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है थूजा 1M। जी हाँ दोस्तों, थूजा 1M जो मेडिसिन है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, खास करके वॉर्ट्स के लिए, मत्स्य के लिए, ट्यूमर्स के लिए, ग्लैंड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो थूजा 1M जो दोस्तों है, मैं पेशेंट को एक दिन स्किप करके देती हूँ। जैसे कि आपने संडे को मेडिसिन लिया तो मंडे को छोड़ के ट्यूजडे को आपको मेडिसिन लेना है, इसी तरीके से एक दिन स्किप करके मेडिसिन को आपको 4 ड्रॉप करके डायरेक्टली अपने टंग पे गिराइएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कॉस्टिकम 200 दोस्तों। उस तरीके की मत्स्य में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो मत्स्य चिपटे होंगे आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों के जो मत्स्य होते हैं वो चिपटे होते हैं और थोड़े से फैले हुए होते हैं, उस तरीके के मत्स्यों में कॉस्टिकम 200 दिया जाता है दोस्तों। और थूजा 1M आप हर तरीके के मत्स्य में दे सकते हैं, किसी भी तरीके की मत्स्य हो थूजा 1M बहुत ही इफेक्टिव होगी दोस्तों। इसके बाद जो मेडिसिन है वो है थूजा मदर टिंचर। जी हाँ दोस्तों, थूजा मदर टिंचर को आपको अप्लाई करना होगा। आपकी जहाँ जहाँ मत्स्य हैं वहाँ 1 ड्रॉप आप ये किया 2 ड्रॉप गिरा के उस तरीके से हल्के से स्प्रेड करके आप उसे छोड़ दीजिएगा। 1 से 2 मंथ के ही इस्तेमाल से आप देखेंगे आपकी जो मत्स्य की प्रॉब्लम है, आप बहुत दिनों से मत्स्य से जूझ रहे हैं, बहुत ही जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 2 मेडिसिन बताई है, मैं मैक्सिमम यही 2 मेडिसिन यूज़ करती हूँ मत्स्यों के लिए, और पेशेंट जो है बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाते हैं इस तरीके की मत्स्य की जिसको भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मैंने आपको जो मेडिसिन बताई है, अगर आप अपने न्यू क्लिनिक खोल रहे हैं या फिर आप न्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आपको होम्योपैथिक में नॉलेज चाहिए, तो ये जो 2 मेडिसिन है वो स्पेशली मत्स्यों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। तो दोस्तों ये जो थूजा मदर टिंचर है उसे आप लगाइएगा, और जो थूजा 1M है आपको एक दिन स्किप करके 4 ड्रॉप लेना है, और कॉस्टिकम 200 जो है दोस्तों उसे 4-4 बूंद करके रोज दिन में 3 बार लेना है, डायरेक्टली अपने टंग पे आप ले सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर, और साथ ही अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी और भी डिजीज़ के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी उस डिजीज़ के ऊपर मेडिसिन यानी कि आप लोगों को वीडियो जल्दी ही दे सकूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही मेरे बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।